उज्जैन में करनी सेना द्वारा एक विशाल आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करनी सेना के 1 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान सामान्य सीट पर अन्य लोगों को चुनाव लड़ाने सहित कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी जाएगी। उज्जैन में 21 फरवरी को करनी सेना के 1 लाख कार्यकर्ता रैली निकालेंगे। रैली में राष्ट्रीय संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, उत्तर प्रदेश के राजा भैया कुंडा और गुजरात के रविंद्र जडेजा शामिल होंगे। करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 21 फरवरी को विशाल रैली का आयोजन एट्रोसिटी एक्ट, आरक्षण और आगामी चुनाव में सामान्य सीट पर अन्य लोगों के चुनाव लड़ने के विरोध में किया जाएगा। इसके अलावा रैली में ये भी मांग की जाएगी कि राजपूत समाज की जो संपत्तियां हैं उसे राजपूत समाज को सौंपी जाए। शिव प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि आगामी चुनाव में यदि सामान्य सीट पर कोई अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसका घोर विरोध करनी सेना करेगी और इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार सामान्य सीट पर फॉर्म डालने से पहले सोचेगा। ये हमारा 21 फरवरी को आयोजन है और इसमें ये आरक्षण के खिलाफ है, एट्रोसिटी एक्ट और जो चुनाव आ रहे हैं तो उसमें सामान्य सीट पर सामान्य ही चुनाव लड़े, ऐसे 8-9 मुद्दे हैं हमारे, उन मुद्दों को लेके और ये रैली और आम सभा है। हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम वहाँ मतलब जो भी सामान्य वर्ग से फॉर्म भरेगा हम पूरा उसका समर्थन करेंगे और सामान्य सीट पे किसी और ने जिसने भी फॉर्म भरा है हम उसका घोर विरोध करेंगे। रैली नाना खेड़ा से शुरू होकर दशहरा मैदान पर पहुंचेगी, जहां पर आम सभा आयोजित की जाएगी। रैली की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और तो और इस रैली के सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, उज्जैन। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।